दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है, दिल्ली सरकार इसके लिए हरियाणा को दोषी ठहरा रही है। और इस बीच आम आदमी पार्टी आज एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात करेगी। पानी संकट पर आम आदमी पार्टी अपनी बात रखेगी। वहीं दूसरी तरफ पानी की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की जल मंत्री आतिशी अनशन पर हैं, लेकिन विपक्ष इसके लिए केजरीवाल सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की सियासत में पानी की किल्लत की वजह से दिल्ली वालों का गला सूखा जा रहा है। आज मैं यहाँ पे अनशन के लिए बैठ रही हूँ और तभी उठूंगी जब हर दिल्ली वाले को उसका हक का पानी मिलेगा। पानी की कालाबाजारी, पानी की चोरी आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्री करते हैं। दो महीना हो गया पानी नहीं मिल रहा बिल्कुल। इनका काम है दोषारोपण करना, दूसरे पर आरोप लगाना। आपके स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, दोनों सियासी प्रदर्शन है। शनिवार को दिल्ली के पानी संकट का दिन प्रदर्शन के नाम रहा। दो दो तरफ से मोर्चे साधे गए, एक प्रदर्शन बीजेपी ने किया तो दूसरा आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली वाले पानी को तरस रहे थे, लेकिन दोनों पार्टियों के वर्कर काम पर थे। तुगलकाबाद में पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी दल बल के साथ जल बोर्ड के दफ्तर पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। हाथ में नारे लिखी तख्तियां, काफी देर तक जल बोर्ड दफ्तर पर बवाल होता रहा। पुलिस बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई और आखिर में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की। दिल्ली में पानी का क्राइसिस को लेकर के सियासत लगातार जारी है। इस वक्त साउथ दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त वाटर कैनन का इस्तेमाल करके जल बोर्ड दफ्तर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता को खदेड़ने की कोशिश जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। साउथ दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी द्वारा यहां पर जल बोर्ड के दफ्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा था, तो यहां पर तमाम जो कार्यकर्ता पहुंचे थे उन्होंने बैरिकेड जो है वो तोड़ा था और अंदर जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। उस बीच आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, उन दोनों बैरिकेडिंग को फिलहाल यहां पर कार्यकर्ताओं ने जो है वो तोड़ दिया है। विधूड़ी कह रहे हैं कि जल संकट के जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। रिजर्वायर वजीराबाद में 250 एमजी का था, वो गाद से भरा हुआ है। 233 एमजीडी पानी कम आता है, उसकी सफाई कहीं नहीं है। हरियाणा पर इनका काम है दोषारोपण करना, दूसरे पर आरोप लगाना। मैं पूछना चाहता हूँ 10 साल में आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने कितने एमजीडी पानी बढ़ाया। बीजेपी इधर साउथ दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी तो आम आदमी पार्टी के वर्कर उसी वक्त हरियाणा हाउस की तरफ बढ़े, इस मांग के साथ कि हरियाणा दिल्ली को उसके जायज हक का पानी नहीं दे रहा। यहाँ भी पुलिस का खासा बंदोबस्त था, यहाँ बीजेपी के खिलाफ नारे लगे। पानी का संकट भारी है और इन सब के बीच कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है। उसका कहना है कि दिल्ली सरकार संकट से निपटने में नाकाम रही, कांग्रेस के राज में टैंकर माफिया के आरोप लगाते थे और अब खुद टैंकर माफिया को नहीं रोक पा रहे। आप किसी भी झुग्गी झोपड़ी गरीब आदमी के पास जाके मिल रहे हैं, पानी से तराई तराई कर रहा है। पैसे वाला आदमी तो खरीदेगा, वो टैंकर जो घूम रहे हैं उन्हीं के लिए घूम रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक सब लोगों को बैठ के इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। एक तरफ मंत्री धरने और अनशन पर है तो दूसरी तरफ बीजेपी सड़कों पर उतर रही है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली वाले पिस रहे हैं। जल संकट का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा है। सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दिल्ली में जल मंत्री आतिशी के अनशन स्थल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। अचानक आए कुछ लोगों ने मंच के पास जाकर हंगामा और नारेबाजी कर दी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ देर बाद इन प्रदर्शनकारियों को धक्के मारकर बाहर निकाला। पूरा देश आपको देख रहा है, बीजेपी ने आपको भेजा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हरियाणा सरकार में बैठकर दिल्ली के लोगों के जान पे डाका डाल रखा है। इसलिए मेरा अनुरोध है दिल्ली पुलिस से, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। एक एनजीटी दिल्ली के जल मंत्री पानी के लिए अनशन कर रही हैं, लेकिन अनशन के दूसरे दिन भोगल में अनशन स्थल पर कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। संजय सिंह जब मंच पर थे इसी दौरान कई लोग मंच के करीब पहुंच गए और अचानक नारेबाजी शुरू कर दी। पूरा दिल्ली पूरा देश
आपको देख रहा है, बीजेपी ने आपको भेजा है। इसके कुछ मिनटों तक हंगामा होता रहा। करो जो करना है, इनके साथ कुछ मत करो, इनको चिल्लाने दो। संजय सिंह मंच से कहते रहे कि ये बीजेपी के भेजे लोग हैं। पूरा दिल्ली, पूरा देश आपको देख रहा है, बीजेपी ने आपको भेजा है, आपको बीजेपी ने भेजा है। जब नारेबाजी नहीं थमी तो आपके वर्कर भी तैश में आ गए। मंच से ऐलान हुआ कि नारेबाजी करते इन लोगों को जबरन बाहर कर दिया जाए। किसी के साथ मारपीट ना हो, किसी के साथ धक्का मुक्की ना हो, इनको प्यार से समझा के बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद जमकर धक्का मुक्की होने लगी। हंगामा कर रहे लोगों में से एक एक को चुन चुन कर बाहर निकाला गया। इस दौरान महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। एक महिला के तो बाल पकड़ कर बाहर निकाल दिया गया। बाद में पता चला कि ये वो बस मार्शल थे जो अपनी नौकरी गंवा चुके हैं और इस वजह से आम आदमी पार्टी से खफा है। हम लोगों को दिल्ली सरकार ने बिगड़ कोई नोटिस दिए बेरोजगार कर दिया। हमारी जो संख्या है 10,792 जो हम लोग बेरोजगार है, आज हम इनसे अपनी वही बात रखने आए थे। 10,792 DTC बस मार्शल है, दिल्ली सरकार ने इनका रोजगार छीन लिया। 27-28 तारीख को इनका ज्ञापन विधानसभा में पास हुआ था, बट इनको बेरोजगार रखा हुआ है। आतिशी के धरना स्थल पर इस प्रदर्शन और नारेबाजी की वजह से एक वक्त अफरा तफरी के हालात हो गए, लेकिन जल्द ही सब कुछ सामान्य हो गया। अमित भारद्वाज, आज तक।